हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये बब्बी दी ट्रिप स्टार्ट होते ही सो गई है और फिर मुझे बोलेगी कि मैं इसको व्लॉग में ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो चलो दोस्तों, आज आप लोग देखिए हम कहाँ जा रही हैं। और ये है मेरी दोस्त जो मेरे बगल में बैठी है, मोबाइल छेड़ रही है। और ये है मेरे साथ मेरा भाई और मेरे हस्बैंड। तो आज हम निकल पड़े हैं फिर एक नए सफ़र में। और टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। अभी बहुत तेज़ बारिश आई और हमारा प्लान कैंसिल होते होते फिर बन गया। देन अभी हम है ये मालदेवता ब्रिज में। और इसी ब्रिज मालदेवता ब्रिज वाले रूट को आपने कैरी करना है, आप पहुंच जाओगे एक नई डेस्टिनेशन पे। और दोस्तों बरसात में यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी और यहाँ पे आपदा आई थी इस मालदेवता में, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रोड उबड़ खाबड़ हो रखी है, रोड थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। अदरवाइज़ आगे का रास्ता आपको पूरा स्मूथ मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल है ना सीनरिक व्यू, जैसा हम ड्राइंग करते थे, पहाड़ों का डायग्राम बनाते थे, वैसे ही रहा, पहाड़ है बिल्कुल। तो फिर दोस्तों आइए मेरे साथ इस हरे भरे मौसम का मजा लीजिए। और अभी अभी बारिश हुई थी तो देखिए कितना क्लियर स्काई है, बिल्कुल बारिश के बाद जब मौसम साफ हो जाता है ना। और ये भी एक व्यू पॉइंट था। और अभी भी मेरी दोस्त लगी है अपने शूट पे और मेरी बब्बी थी फिर सो गई है। तो चलते हैं आगे की ओर। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे गाँव जिसे हम कहते थे देहरादून का फिल्म सिटी, जहाँ पर बहुत सारे मूवीज़ और बहुत सारे पहाड़ी गानों का शूट भी हुआ है वहाँ पे। तो हम भी चल पड़े हैं उसी लोकेशन को देखने के लिए। और सुना है वहाँ पे सनसेट बहुत सुंदर होता है, तो बस वही सनसेट को कैप्चर करने के लिए हम निकल पड़े हैं देहरादून से उस द्वारा गांव की ओर। तो लगभग 10 किलोमीटर तक होगा ये देहरादून से, ज़्यादा दूर नहीं है, आप 45 to 50 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे। और रास्ते में बहुत सारे आपको होम स्टे एंड मैगी पॉइंट एंड अलग अलग व्यू पॉइंट दिखाई देंगे, आप लोग उसको इंजॉय कर सकते हो, मैगी खा सकते हो, चाय पी सकते हो और अपना टी ब्रेक लेते लेते आ सकते हो पहाड़ों में। और ये है मालदेवता से आगे द्वारा गांव। तो दोस्तों आ चुका है अब ये आगे, बहुत सारे गाँव दिखाई दे रहे हैं और ये पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं द्वारा। और इतना मुश्किल नहीं भाई रास्ता ढूंढने में, हमें मिल गया था आसानी से। फिर हमने किसी से पूछा यहाँ पे कि द्वारा कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा ये गांव ही द्वारा है। बट इस गांव को देखने के बाद तो हमें कोई दोस्तों व्यू पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा था गांव। तो हम फिर चल पड़े थोड़ा सा आगे को एक नया व्यू पॉइंट देखने के लिए। तो उसी रूट पर हम आगे गए, फिर हमें वहाँ पे कैफेज और ये होम स्टे दिखाई दे रहे थे। फिर ये बब्बी दी उठ गई हमारी और फिर जो इन्होंने अपनी कातिलाना स्माइल दिखाई हमको, आए हाय हाय हाय, रास्ते का पता ही नहीं चला और कब हम बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। इनकी ये स्माइल वाह 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 वाह, कैसे कोई इन स्माइल को देखने के बाद आगे का रास्ता शूट होता दोस्तों। तो फिर देन हम और ये मेरी दोस्त जो अपने दोनों हाथ पैर बाहर निकालने वाली है वीडियो बनाने के चक्कर में, देखिए इसका ऐसा लगता है कि ये बाहर ही ना निकल के वीडियो बनाना शुरू कर दे इसको देख के। और अब हम जाते हैं आगे और हम पहुंच चुके हैं द्वारा व्यू पॉइंट द्वारा। और इतनी खुशी हुई हमें कि बारिश नहीं हो रही थी और मौसम साफ था बिल्कुल और धूप एकदम टिमटिमाता चमक रहा था। तो देन हमने गाड़ी रुकी यहाँ पे और देखा सनसेट व्यू और ये सामने हमें देहरादून दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा क्लियर नहीं था और ये जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है आपको, ये था आपका यहाँ का देहरादून का फिल्म सिटी जो इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ से ऊपर ये सिर्फ गांव वालों को ही जाने दे रहे थे, बाकी ये पर्यटक और ये जो बाहर से आए हुए लोगों को नहीं जाने दे रहे थे। और यहाँ पे एक लड़ाई भी हो रही थी किसी लोकल की और किसी कपल्स की, शायद कुछ ऊपर इनका मंदिर है वहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने अलाउड
नहीं कर रहे अभी लोगों को जाने। दोस्तों जो वॉच टावर है वो वही ऊपर था जहाँ आपने ना जाने नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पे भयंकर लड़ाई हो रही है, दोबारा में अलाउड नहीं आना किसी को, आप लोग भी मत आइएगा। ओके आपको दिखाती हूँ लड़ाई। आंटी लोग गुस्से में थे ना? हाँ यार आंटी लोग गुस्से में थे, आंटी लोग शायद वहीं से आ रहे थे। सुंदर है, पैदल जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं। चलो भाई आंजी आंजी क्या है, चलो ठीक है ओके थैंक यू। चलो चलो नाम क्या है? तेजस्वी को हाय कर भाई। हाय बाय बाय। तो दोस्तों वहाँ पे तो लड़ाई हो रही थी जहाँ पे सनसेट व्यू था, और वहाँ से ऊपर जो ट्रैकिंग था वो उन्होंने बंद कर दिया है, और इसी वजह से वहाँ पे कुछ हल्ला भी हो रहा था। तो हमने सोचा हम आगे चलते हैं, बट ये प्यारी सी लड़की हमें मिल गई जिसने हमें कहा कि यहाँ से आगे भी व्यू पॉइंट है। तो हम चल पड़े हैं आगे एक नए रास्ते पर जहाँ का हमें कुछ नहीं पता है। और ये आ गया वो पीपल का पेड़ जो वो बोल रही थी, और ये मंदिर वाला एरिया है, इसे हम आगे वापस ही में देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या पता और सुंदर हमें नज़ारा दिखाई दे सनसेट का। चलिए मेरे व्लॉग में बने रहिए दोस्तों, आगे आगे देखिए द्वारा का सुंदर नज़ारा। वाओ कितनी सुंदर जगह है दोस्तों, देखिए फाइनली एक सुंदर सी लोकेशन हमें मिली। इससे पहले जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे तो पूरा मूड ऑफ ही हो गया था, बट इसको देख कर ऐसा लग रहा है कि चलो हमारा आना वर्थ इट रहा। आओ आपको दिखाती हूँ यहाँ से, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ सुंदर सा नज़ारा पहाड़ों का और सुंदर सा सनसेट। दोस्तों वहाँ पे तो अलाउड नहीं था जाना हमें, तो हम यहाँ पर आए हैं। उससे से आगे थोड़ी सी एक जगह है जहाँ से सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, देखिए। ओ माय गॉड यहाँ से भी दिखाई दे रहा सनसेट, हमने खाली वहाँ पे आधे घंटे वेस्ट किए अपने भाई देखने के चक्कर। देखिए दोस्तों मेरे पीछे तेरा दून, आपको नहीं दिखाई देगा, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ओके ओके दोस्तों, तो ये है सुंदर सा सनसेट, और जो वो नीचे दिखाई दे रहा वो है देहरादून, और ये है जो जगह है वो है द्वारा, द्वारा विलेज जो मालदेवता रोड से आगे पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है कंपटीशन कौन अच्छी वीडियो बना सकता है द्वारा की। तो एक हमारी लगी है यहाँ पर, एक बगल में सैमसंग वाली, और एक वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर। तो मैं पीछा कर रही हूँ उस कंटेंट क्रिएटर के, क्योंकि वो आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ उसके पीछे वीडियो बनाने।
हमारे आने से पहले ना दोस्तों बारिश हो गई थी बहुत, तो शायद इसीलिए ये बादल इतने साफ सुथरे और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उस बारिश के बाद पूरा मौसम साफ हो गया एकदम क्लीन। और इस सनसेट व्यू को देख के अगर आपके मन में कोई लाइन आ दे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गुड बाय, तो अलविदा कहते हैं हम आज के सूरज को। बाय बाय सूरज, चिन्ना मामा आ गए हैं, सूरज मामा जा रहे हैं। दोस्तों बाय कर दो सूरज को, उधर सूरज को बाय कर दो, सूरज चल गया। सूरज सुंदर है ये नजारा, आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देहरादून से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है द्वारा, बस द्वारा गांव। और ये है सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम द्वारा में, ये हमारा पहला स्टॉप जहाँ पे एक मंदिर है, ये व्यू है, और ये है पीपल का पेड़। और यहाँ से आप आगे जाओगे तो वही वाला सनसेट व्यू आ जाएगा आपके लिए। देखिए देखिए देखिए, तो अभी हम जा रहे हैं चाय पानी पीने वहाँ पर। ये है यहाँ का जुनियाली रिजॉर्ट, ये जहाँ पे फोटोशूट करा रही है, और हम यहाँ से जाएंगे अंदर। ये देखिए यहाँ का व्यू, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ का व्यू, ये जुनियाली रिजॉर्ट। ओए कहाँ गए, ओए ओए कहाँ हो भाई, मैं डर गई। अरे मैं वहां पर खड़ी थी, मैं कहती रास्ता बंद हो गए, गए कहाँ है, तुमको दिखाई दे रास्ता। तो दोस्तों ये बहुत ही ड्रामा एंट्रेंस है, तो खोल दीजिए हमारे यहाँ पे। दोस्तों ये है यहाँ के रिजॉर्ट्स।
हम जाते हैं घर और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।